और लोक जनशक्ति पार्टी हमारी पार्टी है, आप जानते हैं, हमको अलग थलग करने के लिए पार्टी तोड़ा गया था। जैसे को तैसा मिला, हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते। और चाचा तो खामोखा ऐसे ही दावा करते रहे हैं बिना मतलब का कि बिहार में 400 के 400 सीट हम जीत कर जो है एनडीए को मजबूत करने का काम करेंगे। लोकसभा चुनाव की घोषणा आज तमाम उम्मीदवारों की और जो घोषणा है सीटों की घोषणा है वो कर दी गई है, और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के तमाम जो कार्यकर्ता है वो पटना पे काफी खुशियां मना रहे हैं। हमारे साथ प्रवक्ता राजेश भट्ट जी, राजेश जी कैसे देख रहे, पूरा खुशी मना रहे? देखिए ये हर्ष का माहौल है, आज हम लोग अब आज आश्वस्त करते हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को और कि बिहार में 400 के 400 सीट हम जीत कर जो है एनडीए को मजबूत करने का काम करेंगे और 100% स्ट्राइक रेट के साथ लोजपा फिर पांचों सीट पर आप लोग के भरोसा जताया, भारी अंतर से विजय हासिल कर एनडीए को मजबूत करने का काम करेगी और ये डबल इंजन की सरकार बिहार में एक नए परिवर्तन की सूत्रपात करेगी। चाचा का सुपड़ा साफ कर दिया गया, उस पर हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। ये देखिए खुशी का माहौल है, आज हम उनपे कोई कटाक्ष नहीं। हाजीपुर से जैसा दावा कर रहे थे हाजीपुर सीट चला गया उनके, जैसे को तैसा मिला, हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते। चाचा हाजीपुर के सीट के लिए दावा कर रहे थे, चला गया उनके हाथ से? देखिए वो सीट तो हमारे स्वर्गीय संस्थापक रामविलास पासवान जी का, उनका बनाया हुआ, उनका परंपरागत सीटें थी। और चाचा तो खामोखा ऐसे ही दावा करते रहे हैं बिना मतलब का, उनका कोई वहाँ पे औचित्य बनता भी नहीं था। और बीजेपी इन चीज़ों एनडीए जो है एनडीए अलायंस इस चीज़ को जानती थी कि भाई ये सीट उनको भरोसा जताया गया है, बिल्कुल 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 जताया गया है, और उनकी परंपरागत सीटें उनको वापस हम लोगों को दी गई है। तो क्या इस बार मोदी जी का सपना पूरा करेंगे? बिल्कुल पूरा करेंगे, 40 में 40 सीटें हम लोग लाएंगे। जल्दी आइए, चाचा जी का सीट चल गया। देखिए चल नहीं गया, देखिए हम लोग अभी भी हाजीपुर से दावा कर रहे थे, ठीक है, हम लोग अभी भी उनका सम्मान करते हैं। हाजीपुर सदैव हमारा था और आज भी है, इसमें तो कहीं कोई अब संशय रह नहीं गया। याद करिए जब 2014 में सीट शेयरिंग हुई थी, 2019 में हुई थी, उस वक्त हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ही ने किया था, और लोक जनशक्ति पार्टी हमारी पार्टी है, आप जानते हैं, हमको अलग थलग करने के लिए पार्टी तोड़ा गया था। लेकिन उसके बावजूद जन समर्थन, जन विश्वास जिस तरीके से हमारे नेता के प्रति लोगों ने दिखाया है, आज उसकी जीत। आपने देखा किस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के तमाम कार्यकर्ताओं में काफी खुशी है, और पशुपति कुमार पारस पर अभी कोई कुछ कहना नहीं चाह रहा। हालांकि जिस तरीके से पशुपति कुमार पारस दावा कर रहे थे, अब कहीं ना कहीं एनडीए उनको दरकिनार कर दिया है। अब इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें देशवाणी।